और अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़वा सकती है भारतीय जनता पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। मैनपुरी से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़वाया जा सकता है। ये बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और इन्हें मैदान में उतारने की बात चल रही है। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां से इस गढ़ में सेंधमारी के लिए केशव प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। कुछ सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहा है, जो कि विपक्ष का गढ़ है, उन सीटों पे सेंधमारी की कोशिश इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर रही है और उसका एक बड़ा दाव हो सकता है कि मैनपुरी से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, क्या जानकारी, क्या उम्मीदवारी केशव प्रसाद मौर्य की मैनपुरी की सीट से हो सकती है? देखिए, चर्चा है इस बात की कि ऐसा किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी में अभी फैसला जो है वो कमेटी की बैठक के बाद तय होगा, जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन एक जरूर उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा थी कि माना जा रहा था कि बीजेपी मानती है कि अखिलेश यादव को अगर घेरना है तो फिर मैनपुरी, कन्नौज जो उनके यादव लैंड है वहां पे घेरना जरूरी है। और इसलिए इस चर्चाओं को बल इसलिए मिल रहा था क्योंकि माना जा रहा था कि जो मैनपुरी के जिलाध्यक्ष है आलोक शाक्य, समाजवादी पार्टी उन्हें जो है वो विधान परिषद भेज सकती है। हालांकि नामांकन की तारीख आज है, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये चर्चा है कि आलोक शाक्य को भेजा जाएगा। शाक्य वोटर्स का एक ठीक ठाक दबदबा है मैनपुरी में, तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी को मजबूत करना चाहती है और बीजेपी का कोशिश है कि अगर वो मैनपुरी में डिंपल को घेरती है तो अखिलेश यादव उसी इलाके में फंसे रह सकते हैं और बाकी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा या वो नहीं जा पाएंगे। लिहाजा किसी कद्दावर चेहरे को भी चेहरे को यानी ये पूरी तरह से टैक्टिकल गेम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर बीजेपी की बैठक में लगेगी। विनोद, बहुत